बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है डॉक्टर श्री कुमार ने, और वीडियो का टाइटल है 10 इनक्रेडिबल बाइक्स एंड स्कूटर्स ऑफ इंडिया जिसका कोई तोड़ नहीं है, विंटेज बाइक स्कूटर ऑफ इंडिया। और मौजम ने हिंदी की ट्रांसलेशन कर ली है, इसलिए जिन लोगों को थोड़ी हैरानी होगी, मौजम को हिंदी आती है पढ़नी, तो मैंने बताया, सोचा कि उनको बता देंगे भाई हिंदी आती नहीं, लेकिन ये गूगल ट्रांसलेटर किया है। एनीवे देख लेते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनक्रेडिबल बाइक्स और स्कूटर, और इससे रिलेटेड हमने पहले भी रिमेम्बर वीडियो देखी है स्कूटर से और बाइक से रिलेटेड। तो आज हम देखते हैं वो कौन सी विंटेज बाइक्स है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ASY कार्ड ड्राइव चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, इस चैनल पर वीडियो देखने वाले कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म 80 या फिर 90 के दशक में हुआ होगा। इन लोगों ने अपने बचपन में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या फिर भारत की सड़कों पर जिन टू व्हीलर्स को देखा होगा, चलाया होगा, जिन पर घूमे होंगे अपने बड़े भाई के साथ या अपने पिताजी के साथ, तो इस वीडियो में हम उन्हीं टू व्हीलर्स के बारे में बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक के कुछ पॉपुलर टू व्हीलर्स के बारे में, जिनको देखकर आपको यकीनन अपना बचपन याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक होंडा, इस गाड़ी को लगभग हर कोई पहचानता होगा, फिर वो चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा, हर कोई लगभग इस गाड़ी में घूमा ही होगा। इस स्कूटर को इंडिया में 1984 में लॉन्च किया गया था। इसको लोग बाग उस समय पर उतना ही पसंद करते थे जितना कि आज के जमाने में होंडा एक्टिवा को करते हैं। इस स्कूटर को इंडियन कंपनी काइनेटिक और जापानीज कंपनी होंडा ने मिलकर बनाया था, लेकिन इंडिया में यह गाड़ी अक्सर पहचानी जाती थी सिर्फ काइनेटिक के नाम से। लोग बोलते थे तो इसको सिर्फ काइनेटिक ही बोलते थे। ये इंडिया का पहला स्कूटर था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया हुआ था, मतलब कि बटन दबाने से ये चालू हो जाती थी। ये फीचर उस समय किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता था। इसके अलावा ये पहला स्कूटर था जिसमें CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जैसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दी हुई थी। इंजन की बात करें तो इसमें 98cc 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलता था जो 7.7 BHP की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। इसमें लगभग 40 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता था जो कि उस समय पर अच्छा माना जाता था। 1984 में इसे लॉन्च करने के बाद में 1998 तक आते आते काइनेटिक और होंडा दोनों ही कंपनियां अलग अलग हो गईं, जिसके बाद में काइनेटिक ने इस गाड़ी को अकेले ही बेचना शुरू किया 2008 तक, जिसके बाद महिंद्रा ने इस कंपनी को खरीद लिया। अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन आज भी कभी कभार ये सड़कों पर देखने को मिल जाती है। RX 100 इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी कई सारे लोग इस गाड़ी को वापस से खरीदना चाहते हैं। कई सारे लोग चाहते हैं कि ये वापस से शोरूम में मिलने लगे, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते से ही ये गाड़ी इंडियन मार्केट में पॉपुलर होती ही चली गई। उस समय पर यंग जनरेशन की ये पहली पसंद थी, जवान लोगों के लिए ये मानो कोई ऑडी और BMW से कम नहीं थी। इस गाड़ी की खासियत थी कम वजन, ज्यादा पावर और बेहतरीन आवाज। उस समय एंथुसियास्ट इसी गाड़ी को चलाना पसंद करते थे, इस गाड़ी से रेसिंग किया करते थे। कई बार तो यहाँ तक हुआ है कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कई बार रेसिंग अथॉरिटीज ने इसके इंजन को खोल कर देखा है कि क्या वाकई में ये 100cc है या नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो और हैंडलिंग बेहतरीन थी, जिसकी वजह से ये उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती थी। देसी भाषा में कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही भक्ति थी, और इसी वजह से मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले लोगों की भी ये पहली पसंद थी। इंजन की बात करते हैं तो इसमें 98cc 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिला करता था जो 11 BHP की पावर जनरेट करता था और 10.39 Nm का टॉर्क। करीब 42-45 KMPL का ये गाड़ी माइलेज दे दिया करती थी। टॉप स्पीड की बात करें तो वो थी 110 km/h और इसका वजन था 95 kg। लेकिन इमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाने की
वजह से इस गाड़ी को 85 में लॉन्च करने के बाद 1996 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर इस गाड़ी को वापस से बेचना शुरू किया जाए तो लोग आज की गाड़ियों को छोड़कर इसे खरीदना शुरू कर देंगे। बजाज प्रिया इस स्कूटर को इंडिया में 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय पर इंडियन मार्केट में स्कूटर का मतलब बजाज चेतक हुआ करता था, जो कि वेस्पा 150 के ऊपर बेस्ड था और बजाज प्रिया बजाज 150 के ऊपर बेस्ड था। उस समय पर लोग स्कूटर लेना पसंद करते थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की पसंद बजाज चेतक हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी पॉपुलर स्कूटर्स थे, जिनमें से एक है बजाज प्रिया। अपने समय में ये स्कूटर कितना पॉपुलर था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको खरीदने के लिए 3 से 4 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी, जबकि बजाज चेतक की उस समय पर 10 से 12 साल की वेटिंग चला करती थी। इस स्कूटर में 150 सीसी 3 स्पीड इंजन दिया जाता था, जो 6.3 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.78 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड थी 80 km/h, 45 km का माइलेज मिला करता था। 75 में लॉन्च करने के बाद इसे 1992 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हीरो होंडा स्प्लेंडर, इस गाड़ी को तो हर कोई जानता ही होगा, आज भी इसे हीरो वाले बेचते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो इसे इंडियन मार्केट में सबसे पहली बार 1994 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते से ही इस गाड़ी ने मानो तहलका मचा दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में बट रही है, हर कोई इसी गाड़ी को खरीद रहा था। हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी की हर साल लगभग 10 लाख तक यूनिट्स बेची हैं। कई सालों तक ये मोटरसाइकिल टॉप सेलिंग टू व्हीलर बनी रही, लेकिन उसके बाद एक्टिवा ने इसकी पोजीशन छीन ली। स्प्लेंडर असल में सक्सेसर थी हीरो होंडा CD 100 और स्लीक की। आज भी इस गाड़ी को हजारों लोग हर महीने खरीदते हैं। पुराने वाले मॉडल को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल ये लगभग 3 मॉडल्स में मिलती है। एक है आई स्मार्ट, दूसरा स्प्लेंडर प्लस और तीसरा सुपर स्प्लेंडर। और ये तीनों ही मॉडल्स एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 60,000 रुपीज से शुरू होकर 71,000 रुपीज तक के मिल जाते हैं। यामाहा RD 350, इस गाड़ी को 1973 में लॉन्च किया गया था, जिस समय पर लोग बाग रॉयल एनफील्ड को सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे, और उसको टक्कर देने के लिए यामा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। इसमें 347 सीसी का 2-स्ट्रोक 2-सिलेंडर इंजन था, जो 39 bhp की पावर जनरेट करता था और इसकी टॉप स्पीड थी 169 km/h। ये स्पेसिफिकेशंस उस समय के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन थे। इस गाड़ी को एज अ स्पोर्ट बाइक, एज अ रेसिंग बाइक जाना पहचाना जाता था। उस समय पर 2-स्ट्रोक 2-व्हीलर चला करते थे, जिनकी खासियत होती थी कि इनमें पेट्रोल डलवाने के बाद में आपको 2-स्ट्रोक ऑयल भी डलवाना पड़ता था। लेकिन इस गाड़ी की खासियत थी कि इसमें ऑटोमेटिक ऑयल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल डलवाने के बाद में किसी तरह का कोई भी ऑयल ऊपर से नहीं डलवाना पड़ता था। ये गाड़ी बिकी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉपुलर बहुत थी। रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी समय से इंडिया में बेची जा रही है और आज भी कई सारे लोगों की पहली पसंद है। ये पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन बाइक है, जिसे 1948 से बनाया जा रहा है। इंडिया में रॉयल एनफील्ड ने लगभग 1955 से अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलिंग करने के लिए 800 यूनिट्स को ऑर्डर किया था बुलेट की, जिसके बाद बुलेट पहले से ज़्यादा और पॉपुलर हो गई। हाल फिलहाल तो ये कंपनी आइचा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है। जिस तरह से आज भी इसकी रॉयल स्मूथ राइड और आवाज़ के लिए पहचाना जाता है, इन्हीं कारणों से इसे पहले भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं थी इस गाड़ी को चलाना, या फिर कहूँ इस गाड़ी को संभालना, क्योंकि ये काफ़ी भारी हुआ करती थी। हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड की कई सारी बाइक्स मिल जाती हैं 350 और 500 cc इंजन्स के साथ में, जिनकी पूरी रेंज एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 1.2 लाख रुपीज से शुरू होकर 2.8 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। सुजुकी समुराय, असल में इस गाड़ी को TVS मोटर्स और सुजुकी वालों ने मिलकर बनाया था, लेकिन लोग बाग इस गाड़ी को सुजुकी नाम से ही जाना पहचाना करते थे, ना तो कोई समुराय बुलाता था और ना ही कोई TVS। इसको 1996 में लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत थी कि इसके लुक्स भी अच्छे थे, पावरफुल भी थी और माइलेज भी था, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज था कस्टमर के लिए, और यही कारण था कि इसने काफ़ी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी किया। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक ये भी थी।
इसमें 98.2 सीसी पेट्रोल इंजन मिला करता था जो करीब 7.8 VHP की पावर जनरेट करता था और 9.8 NM का टॉर्क। चार गियर मिला करते थे और 87 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड थी। हाल फिलहाल तो TVS और सुजुकी का टाई अप खत्म हो चुका है और इस गाड़ी के प्रोडक्शन को भी काफी पहले बंद कर दिया गया है। हीरो होंडा CD100, इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और अभी भी दूसरे नाम से बेचा जाता है। जब इसे लॉन्च किया गया था तब तो लगभग कोई भी इसे नहीं खरीद रहा था। लोगों ने सोचा कि हीरो होंडा वालों ने कोई बकवास गाड़ी लॉन्च कर दी है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि इसके साथ काफ़ी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता था और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक बन गई। जिसके बाद हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी के सक्सेसर HF डॉन और फिर HF डिलक्स को लॉन्च किया जिसे आज भी खरीदा जा सकता है। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 56,000 रुपीज से शुरू होकर लगभग 57,000 रुपीज तक की मिल जाती है। LML वेस्पा ये एक स्कूटर था जिसे चेतक के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इस स्कूटर को भी दो कंपनियों ने मिलकर बनाया था, एक तो थी LML और दूसरा प्याजियो। 1983 में इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया और 1985 में वेस्पा स्कूटर को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन LML का ओरिजिनली फुल फॉर्म तो है लोहिया मशीन्स लिमिटेड, लेकिन इसका एक फनी फुल फॉर्म भी चला करता था जो था ले मत लेना। शुरुआत में तो प्याजियो वालों ने बजाज के साथ मिलकर स्कूटर को लॉन्च करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर बाद में LML से हाथ मिलाकर इस स्कूटर को लॉन्च किया गया। इस स्कूटर ने भी काफी कमाल कर दिखाया। अगर मैं ऐसा कहूँ कि चेतक के बाद लोगों की दूसरी पसंद कोई थी तो वो थी LML वेस्पा। इसकी खासियत थी कि ये बजाज चेतक से ज्यादा स्टाइलिश और हल्का था जिसकी वजह से इसको चलाने में आसानी होती थी। काइनेटिक लूना ये एक मोपेड थी जिसमें एक काफी छोटा सा इंजन लगा हुआ था 50cc का। इसे USA मार्केट में भी बेचा जाता था काइनेटिक TRR के नाम से, जहां पर और छोटा इंजन लगा हुआ था इसमें 35cc का। इंडियन मार्केट में लूना को 1972 में लॉन्च किया गया था और फिर 2000 के आते आते इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये गाड़ी असल में एक लाइसेंस्ड कॉपी थी प्याजियो की सियाऊ मोपेड की। इस लूना की खासियत थी कि ये काफ़ी बेहतरीन माइलेज दिया करती थी और अगर बाय चांस पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए तो ये साइकिल बन जाया करती थी। इसमें साइकिल जैसे पेडल्स दिया करते थे जिनको चलाकर इसे चालू किया जा सकता था और जिसको चलाकर पेट्रोल ख़त्म हो जाने पर अपने घर पर भी पहुंचा जा सकता था। वैसे तो और भी कई सारी गाड़ियाँ हैं पुराने ज़माने की जो हमारा बचपन हमें याद दिलाती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 10 गाड़ियों के बारे में ही बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बाकी गाड़ियों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की तो इसमें जो कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल अभी तक हैं और रोड से जो हैं भागती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे उनके नए मॉडल नहीं आ रहे, पुराने मॉडल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे यामाहा RX 100 की, तो वो अभी भी जो है यहाँ पे आपको रोड पे नज़र आ जाती है, लेकिन मोस्टली जो है ये गाड़ियाँ जो है वो दूध वाले जो होते हैं ना उनके पास नज़र आती हैं। उन्होंने अपने कैनियाँ पीछे लटकाई होती जा रहे थे। मैं बोलूं तो मुझे वाकई में ये चीज आज जो वीडियो देखकर बहुत बुरे तरीके से रियलाइज हो रहा है कि वाकई में हम लोग बहुत पीछे हैं। लाइक टेक्नोलॉजी वाइज जितना भी हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे फ्रेंड्स हम लोगों को बताते हैं कि जब वो मुझे अब वाकई में समझ में आ रहा है वीडियो देखने के बाद कि जब वो यहाँ की बाइक्स या गाड़ियां देखते हैं तो वो उनको इतनी पुरानी क्यों लगती है, क्योंकि वो 80s और 90s में इंडिया में मौजूद थी और यहाँ पर 2020 में मौजूद, यहाँ पे भी तब से मौजूद है लेकिन अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, अपडेट नहीं, वही पुरानी। हाँ, अगर उस टाइम पर वेस्पा की अगर बात करें जब हम लोग छोटे थे तो वेस्पा था, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला था, बट ये है कि अभी हम लोगों को कोई वेस्पा नजर नहीं आता। जो एंड पे उन्होंने दिखाया ना LML वेस्पा, यहाँ पे वही है। और अब तो वैसे वेस्पा जो यहाँ पे ना होने के बराबर है, लेकिन वेस्पा जो है वो एक ऐसी गाड़ी थी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा से प्रेफर उसे किया जाता था बाकी जो कंपनी थी बाइक की उनके
मुकाबले में. याद है हमारी गली में भी एक अंकल के पास वेस्पा होता था. नहीं ये मुझे याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि जिनके घर हम ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे ना, तो उनके घर में अंकल के पास वेस्पा हुआ करता था. नहीं हमारी गली में भी एक अंकल थे, उनके पास जो है वेस्पा हुआ करता था. मुझे नहीं पता, बट ये है कि बहुत सारी, मैं बोलूंगी कि हम लोगों को आज ऐसी ऐसी अपडेट्स मिली हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हैरान कुन थी. अच्छा एक 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 इंटरप्ट कर दिया आपको. एक बाइक जो है वो जो है मैं कहना चाहूंगा दोबारा जो है मार्केट में आनी चाहिए, वो जो काइनेटिक लूना थी ना, वो मैं बात करूंगा कि वो जो दोबारा, हाँ बिल्कुल दोबारा जो है मार्केट में आनी चाहिए. मुझे वो बाइक वाकई बड़ी अच्छी लगी, और वो बाइक जो है मैंने इसे पहले देखी थी हेलो ब्रदर मूवी में. तो हाँ याद आ गया बीच में कि ये तो सलमान खान की मूवी हेलो ब्रदर में, उसमें वो ऐसे चलाते चलाते आता था, तो हम लोग ये कैसी बाइक है. अच्छा उस टाइम पर ये लगता था शायद कुछ स्पेशल बाइक बनवाई है, बट वाकई में आजकल के टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा, जैसे पेट्रोल की कीमतें एकदम ऊपर चली जाती है, खाली भी होते हैं. वो तो आपकी वाकई बात है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं समटाइम्स जो है बंदे को नहीं पता होता कि यार मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है, और पेट्रोल खत्म हो जाए तो कम से कम ये तो ना यार उतर के धक्का लगाना पड़ेगा. चलो बंदा साइकिल उसकी चला लेता है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, और बंदा जो है पैदल भी नहीं चलना पड़ता. पर इतनी गर्मी में जब आप एक्सरसाइज करने का सोचे ना तो आपको लग बता जाता है यार धक्का लगाने से तो बेहतर है ना. वैसे एक जो रॉयल एनफील्ड की हम बात करें तो वो भी मतलब देखो किस टाइम से आ रही है, यानी कि पार्टीशन के कुछ अर्सा 1948 में, पार्टीशन के कुछ अर्से बाद ही उसकी जो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी. इतनी पुरानी बाइक है, और कहा भी है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड बाइक जो है ये अभी तक है. और अच्छा वैसे ना मुझे जितनी भी बाइक्स नो डाउट लड़कों को अच्छी लगती होगी, और वैसे माइलेज भी बहुत अच्छा था जिस तरीके से उन्होंने डिटेल में बताया, बट मुझे वेस्पा बहुत अच्छा लगा, कलरफुल सा, और पता है बड़े यूनिक से स्टाइल से. देखो स्लिम भी था, स्मार्ट कलर भी, आपके पास काफी ज्यादा चॉइस है. मुझे तो लगता है शायद वेस्पा को देखकर ही स्कूटी बाद में बनी होगी. मैं भी हो सकता, लेकिन मैं अगर बात करूं मेरे से दो बाइक्स ही अच्छी लगी हैं, एक रॉयल एनफील्ड और दूसरी लूना. मुझे और मेरा दिल है कि लूना जो है वो दोबारा कंटिन्यू हो. मुझे वेस्पा बहुत अच्छी लगी, रॉयल एनफील्ड तो नो डाउट मुझे अच्छी लगी, लेकिन जितने भी वेस्पा थे ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि वाकई में काफी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आजकल के टाइम में ना खवातीन के लिए वो काफी मतलब यू नो, वैसे भी पता नहीं कि वो बड़ी अच्छी विंटेज लुक देते हैं हमेशा जब भी आप वेस्पा की बात करो. नो डाउट स्कूटीज भी हैं, स्कूटीज अच्छी, अब आकर स्कूटीज चलना शुरू हुई है, क्योंकि इंडिया में तो हम देखते आ रहे हैं बचपन से, हम देखते आ रहे हैं. इवन की देखो ये इसमें जो काइनेटिक लूना की बात कर रहे हो बहुत अच्छी है, लड़कियां चला रही है, तो ये सोचो कि कितनी देर पहले चेंज आया होगा और सोसाइटी में. और फिर उसके बाद एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो ये कि हेलमेट अगर अगले बंदे ने पहना हुआ जो ड्राइव कर रहा है, तो जो पीछे बैठा हुआ वाली सीट पर भी उस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है. तो जो ये चीजें ना आप अपनी सोसाइटी को सिखाना शुरू हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि काफी टाइम पहले देखो चेंज आ रहा था जो सोसाइटी में, वो अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं आया. और दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेस्पा की, तो वेस्पा आपको रोड्स पे तो नहीं नजर आता क्योंकि बहुत कम हो गया, लेकिन कुछ कुछ जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो इस तरह के हैं, उन्होंने ऐसे डेकोरेशन पीस जो है या थीम जो है बिल्कुल वहां पे उस तरह रखा हुआ है. बट सच्ची मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो को देखकर मुझे सच में अंदर से जब मतलब मैं जो यहाँ पर देखती हूँ ना जो गाड़ियां चल रही हैं और जो कार चल रही हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने पहले गाड़ियों वाली वीडियो देखी थी उस टाइम पर हम लोगों को पता चला थी कि यहाँ पर कितनी पीछे वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है. और अब बाइक्स देखी हैं तो कसम से मैं सर पकड़ के बैठ गई कि ये वो जो बाइक सबसे पहले वाली सामने, आई थिंक यामा आई थी ना, यामा आई थी सामने, तो आई वाज लाइक अरे यहाँ पर तो ऑब्वियस ही है ऐसे वाले मॉडल है. तो मतलब मुझे वाकई में सदमा हो रहा है थोड़ा सा कि पाकिस्तान में बहुत पुराने मॉडल्स हैं. वेल आई होप कि जल्दी से नए मॉडल्स आए और कुछ लोगों को भी समझ में आए कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए. और इसी के साथ अब हम चाहेंगे इजाजत. आपका क्या सोचना है इसके बारे में, और आप मतलब पाकिस्तान के बारे में पूछ रही हूँ, मतलब कि इन बाइक्स के बारे में बिल्कुल, और किस किस के पास ऐसी रह चुकी है, किन के फादर के पास ऐसी रह चुकी हुई या अभी भी है, हाँ या अभी भी है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. और इसी साथ लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स. गुड बाय.